मेरा नाम रिंकू है, रिंकू चौहान। मैं 34 इयर्स एज है मेरी और मेरा होम टाउन है यूपी। मैं रहता हूँ मुंबई पालघर में। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें परेशानी और टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ब्लड डायबिटीज का तो बहुत ज़्यादा वर्क ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे लाइन में टेंशन का बहुत। मैं एकदम शॉकिंग था मैम, वो मेरे लिए मतलब डायबिटीज होना वो एज में, और ये तो काफी लोग उस समय तो ऐसा था कि मैम काफी लोगों के बीच में किसी को होता था, और उसमें मुझे हुआ मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और बहुत बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। जी, उस समय मुझे डॉक्टर ने मैम कहा था कि अगर फ्यूचर में अगर डायबिटीज से बचना है तो आपको आपका डाइट चेंज करना होगा, और डाइट के साथ में प्रॉपर मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय मैंने डॉक्टर के सामने फर्स्ट टाइम इस चीज़ के लिए था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आयुर्वेदा से या किसी और चीज़ों से ट्रीट कर लेंगे। और आप जानते हैं बाहर हम लोगों से अगर नुस्खे लेने जाएँ तो बहुत सारे नुस्खे होते हैं उनके पास में, तो मैं तो कहूँगा कभी किसी के ऐसे नुस्खों पर ना जाएँ। सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास जाएँ और प्रॉपर मेडिकेशन लेके इसको इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, और खास तौर से लोगों की बात ना सुन के डॉक्टर की बात सुनने में सबसे ज़्यादा भलाई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेता था मैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैं मतलब उस समय से मेडिकेशन भी चालू होने के बाद भी मैंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक बंद नहीं किया, वो भी मैं चालू बंद नहीं हुआ था, वो मैं चालू ही रखता था, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी थी उस चीज़ों की, तो मैं उसको कभी बंद नहीं कर पाया। और अभी मतलब मेडिसिन तो चालू थी लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था उस चीज़ों से, और कैसे मैम जिन चीज़ों की आदत सालों से है उसको इतना इजीली छोड़ना नहीं हो पाता। सबसे पहली बात तो वेल्दी के रह ज्वाइन करने का कारण था कि मैंने वो नया एक्यूचेक का पैक मंगाया था, उसमें एक बारकोड था जिसको मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मैंने आपका कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन मुझे फिर हेल्दी केयर से फ़ोन आने लगे, उन्होंने बोला आप हमारा ऐप ट्राई कीजिए ज़रा। फिलहाल तो स्टार्टिंग में फ्री था कुछ 15 दिन में, तो उस समय मैंने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के जो फ्री सेशन था तो मुझे अच्छा लगने लगा कि जो हमारे आपके सर मैम जो मेरे जो भार्गव मैम उन्होंने हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह और एक मुझे एक छोटे बच्चे की तरह और अपने को एक बड़ी बहन की तरह या माँ की तरह आप बोल सकते हैं, उस तरह से मतलब मुझे ट्रीट किया है उन्होंने। हर चीज़ आप चाहो तो मतलब एनी टाइम आप उनसे कोई भी चीज़ सजेशन लेना चाहो वो हमेशा रेडी रहती हैं। उसके अलावा आपके ऐप में मैम वो कैरी है, हम कोई भी चीज़ खाए अपडेट करने के बाद में अच्छा रिजल्ट है, मतलब वो भी सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें कैसा है, मतलब इसमें कैलोरी कितनी है, सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगा हेल्दी केयर ऐप की तरफ से भर गई मैम का। बस सब उसके बाद जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जो खींचा है तो फिर मुझे तो आना ही था, और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब आज सुबह भी हेल्दी केयर ऐप के लिए मैंने सुबह टेस्ट किया था, ब्लड शुगर 101 था पीपी, और अभी शुगर को पोस्ट मील था 149। ये सारा मुझे जो मैम ने डाइट जो बताया है, और हर समय पे आकर कुछ क्वेश्चनिंग होती है उनकी, जिसमें हम जवाब आंसर करने के बाद में सारा मतलब सही या गलत हमें भी पता चलता है, और हमने आपके ऐप को फॉलो किया या नहीं ये शायद आपको भी पता चलता है। आपको बताओ तो मैं मतलब एक साइड में माँ रोटी बनाती थी, सुबह मैंने चाय ले लिया। एक तो मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसके लिए चाय माँ रोटी बनाती थी और मैं चाय लेके साथ में बैठ जाता था, और उसके अंदर वो बनाती बताती। कभी कभी ऐसा भी हुआ ये ख़त्म हो गया, ऐसा भी हुआ मतलब 10-11-12 रोटी मैम, और ऐसा भी हुआ कि मैं वो शौक हो गई ख़त्म हो गया। इन सारी चीज़ों में कंट्रोल किया था मैं, मैंने इतना सीखा है कि हमको इतना सारा नहीं खाना है,
एक प्रॉपर थोड़ा थोड़ा, मतलब अब मैं सिर्फ दो रोटी सुबह, दो रोटी दोपहर को, दो रोटी शाम को, इसके साथ में कुछ सलाड्स, और फिर सलाड्स के साथ में हो सके तो मूंग मसूर चना ये सारी चीजों की भाजी ज्यादा खाता हूँ। मतलब पहले का जो आपको लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, मेरा खाने का कोई ठिकाना नहीं था, कैसे भी कुछ भी खा लो। उसके बाद में जब हमने ऐप ज्वाइन किया तो हमें ये भी पता चला कि मतलब डॉक्टर ने तो कहा ही था, लेकिन एक एक चीजें पॉइंट करके कि हमें ये चीजें खाना है, जैसे कि पल्सेस हो गए हर चीज का, और आटे में हम लोग मल्टीग्रेन खाते हैं, ये चीजें ज्यादा फायदा करती है। पहले तो सिर्फ हम गेहूं के आटा, गेहूं की रोटी खाया करते थे, अब सारा मिक्स करके जो मल्टीग्रेन होते हैं, तो उससे मैंने ये सब चीजें तो आपके ऐप से ही पता चली। इससे पहले तो डॉक्टर ने मुझे एक एक चीजें नहीं बताई कि मुझे ये खाना है या नहीं खाना, सारा कुछ जो है वो ऐप से ही मिला। ना ऐसा कुछ नहीं था मैम, रेगुलर तो कुछ नहीं था, कभी अगर इच्छा हो गई तो थोड़ा वॉक हो जाता था, बाकी रेगुलर कुछ नहीं कर पाते। वेल्दी केयर ऐप ज्वाइन करने के बाद में मुझे एक स्पेशली जिम ज्वाइन करना पड़ा, जिससे काफ़ी फायदा जिम से भी हुआ। एक घंटा जिम में हम बिताते हैं, जहाँ पर अच्छा पसीना निकलने के बाद में शायद उन सारी चीज़ों से फर्क पड़ता है। पहले तो मैं ड्राइविंग में था, अब फिलहाल तो ड्राइविंग नहीं है, तो कभी कभार जब लगता है तो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो मैनेजमेंट ही चल रहा है, तो वैसे ही मतलब हाफ स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो गए। डॉक्टर ने तो मुझे कहा कि काफी इम्प्रूवमेंट है, मतलब डॉक्टर भी, मतलब इतने सालों से मैं बोल रहा हूँ और मेडिकेट मतलब प्रॉपर गाइड मेडिसिन के लिए कर रहा हूँ, तो इतना चेंज आया नहीं, अचानक क्या हुआ कि इतना चेंज है। तो मैंने उनको बताया हेल्दी केयर ऐप के बारे में, थोड़ा मैंने एक ऐप ज्वाइन किया सर, वहाँ से कुछ गाइडलाइन अच्छी मिलती है। चैट सेशन में चैट को छोड़ के जो कैरी है, कैरी में हम जब कोई चीजें लॉक करते हैं, उसके बाद में कैरी का जो रिस्पांस आता है, मतलब वो तो ठीक है, अब तो वो तो सेट है, लेकिन मतलब जो रिस्पांस आता है उससे भी काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। और दूसरी बात यह है कि जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर सारा लॉक करते हैं तो काफी दिनों के लिए हमको दिखाई देता है, और वो चीजें मतलब ब्लड शुगर के लिए फिर हमको मेंटेन करने के लिए सिंपल लगता है, सिंपल। हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना इतना इजी नहीं है, इसको चेंज करने के लिए पीछे से कोई पोक करने वाला होना चाहिए जो काम हमारा ऐप हेल्दी केयर करता है। अगर आप खुद से नहीं चेंज हो सके तो एक बार ये ऐप लेके आप डाउनलोड करके देखिए, शायद आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाए। मैं अगर खुद चाहता तो कभी नहीं कर पाता था, मैंने वो स्कैनिंग जो बारकोड स्कैनिंग पता नहीं कहाँ से मतलब हो गया, जो भी हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। ये ऐप मैंने मेरे ऊपर खुद ही ट्राई किया, और मैं अगर इसको 10 नहीं दे सकता तो फिर मतलब मैं किस हिसाब से, मतलब सीधा है मैम कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे 100% फायदा मिला, इसके लिए 10 out of 10।